गुड मॉर्निंग बच्चों, कल के वीडियो में हमने एडवर्ब सीखा था कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, और आज के वीडियो में हम एडवर्ब को थोड़ा सा और डीपली समझेंगे, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और बहुत आराम से करेंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो आप पेज नंबर 76 अपनी बुक में ओपन कर लीजिए और उस पर एक्सरसाइज ए जो है आज उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ए में क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स। नीचे एक पैसेज दिया गया है, आपको उसको पढ़ना है और उसमें जितने भी एडवर्ब हैं उन पर अंडरलाइन करना है, ठीक है? तो कल हमने क्या सीखा था कि जो एडवर्ब होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से एक बार मुझे सबके नाम बताइए। आपको याद आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें हम पूछते हैं कैसे। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें हम पूछते हैं कहाँ। तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें हम पूछते हैं कब। चौथा है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिसमें हम पूछते हैं कितनी बार या कब कब। और पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसमें हम पूछते हैं कितनी, ठीक है? तो ऐसे 5 एडवर्ब होते हैं। अब देखिए, एडवर्ब एक वर्ड भी हो सकता है और एडवर्ब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा शब्द भी मिलकर एडवर्ब बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पर उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज के बारे में कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हर तरीके के फ्रेज होते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज भी हमने पढ़े थे, उसी तरह से एडवर्ब फ्रेज भी होते हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब की तरह यूज़ किया जाए उसे हम एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे, ठीक? तो इसमें भी बहुत सारे एडवर्बियल फ्रेज होंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे होंगे, लेकिन चूंकि अभी आप छोटी क्लासेस में हैं तो इसीलिए हम केवल जो सिंपल एडवर्ब हैं, एक शब्द वाले जो एडवर्ब हैं, अंडरलाइन हम उन्हीं पर करेंगे, ओके? चलिए यहां से पढ़िए। गौतम रैन क्विकली, गौतम भागा तेजी से, ठीक? तो अब आप वर्ब से पूछिए कि गौतम कैसे भागा, आंसर मिलेगा गौतम तेजी से भागा। तो यहां पर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है क्या, क्विकली, और वर्ब के तुरंत बाद है, इसलिए जो क्विकली है वो क्या है, वो आपका एडवर्ब है। और वैसे भी इसमें ly भी लगा हुआ है, और जो एडवर्ब्स होते हैं उसमें मोस्टली ly लगा होता है, ठीक है? आगे देखिए, ही हैड नेवर बीन सो फ्राइटेंड, ही हैड नेवर बीन सो फ्राइटेंड, यानी कि वो कभी भी, नेवर मीन्स कभी भी, सो मीन्स इतना, फ्राइटेंड मीन्स डरा, वह इतना कभी भी नहीं डरा हुआ था, वह इतना भी कभी नहीं घबराया था, ठीक? तो गौतम तेजी से भागा, वह इतना आज से पहले कभी नहीं डरा हुआ था या घबराया था। अब यहाँ पर देखिए, एक एडवर्ब है नेवर, नेवर और नॉट जो हैं बच्चों वो नेगेटिव एडवर्ब होते हैं हमेशा, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है? नेवर और नॉट कैसे एडवर्ब होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब होते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ही हैड नेवर बीन सो फ्राइटेंड, अब यहाँ पर जो फ्राइटेंड है, डरा हुआ, वो तो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है सो, कितना डरा हुआ, इतना डरा हुआ, कितना डरा हुआ, इतना डरा हुआ, ठीक? तो ये कैसा एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मैंने बताया था ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम क्या पूछते हैं, कितना। ये कौन सा एडवर्ब है, कैसे, गौतम रैन क्विकली कैसे भागा, तेजी से भागा, तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। नेवर कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब नेगेटिव एडवर्ब, और सो कौन सा एडवर्ब है, सो जो है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और यहाँ पर ये किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की। यहाँ क्विकली कौन किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। तो एडवर्ब कौन होते हैं, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएं, जो वर्ब की विशेषता बताएं, या फिर जो किसी और एडवर्ब की विशेषता बताएं, ठीक है? आगे देखिए, ही स्क्रीम्ड लाउडली, वह चिल्लाया जोर से, तो वह कैसे चिल्लाया, वह जोर से चिल्लाया। तो यहाँ पर लाउडली जो है वो भी एडवर्ब है, और वो कौन सा एडवर्ब है, हाउ वाला है, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर है, कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड रेन, और भागा
टूवर्ड्स द गार्डन, और वो कहाँ भागा, वो कहाँ भागा, वो भागा टूवर्ड्स द गार्डन मतलब गार्डन की ओर। तो ये पूरा अगर हम लें कि कहाँ भागा, टूवर्ड्स द गार्डन, गार्डन की ओर भागा, तो इसमें तीन शब्द हैं टूवर्ड्स द और गार्डन, तो ये पूरा एक फ्रेज हुआ। और ये फ्रेज किसकी तरह काम कर रहा है, ये फ्रेज काम कर रहा है बच्चों एडवर्ब की तरह। क्यों? क्योंकि हम एडवर्ब में क्या पूछते हैं, कैसे, कहाँ, कब, तो यहाँ हम पूछ सकते हैं ना वो कहाँ भागा, कहाँ का आंसर हमें मिल रहा है गार्डन की ओर। तो ये पूरा एक एडवर्बियल फ्रेज है, ये एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। मतलब ये वर्क किसकी तरह कर रहा है, ये एडवर्ब की तरह कर रहा है, ठीक। और स्टार्ट किससे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ये प्रेपोजिशन से, किससे स्टार्ट हो रहा है, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ही ऑलवेज वेंट देयर, ही ऑलवेज वेंट देयर, वह हमेशा वहां जाता था। तो यहां पर जो ऑलवेज है हमेशा, ठीक, ये भी एडवर्ब है। अब ये कौन सा एडवर्ब है, ये हाउ मेनी टाइम्स वाला है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। वह कब कब जाता था, हमेशा जाता था। वह कितनी बार जाता था, हमेशा जाता था। तो ऑलवेज जो है वो एडवर्ब होता है, हमेशा ही होता है, ठीक। और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब देखिए, ही ऑलवेज वेंट देयर, वह कहाँ जाता था, वह वहां जाता था। तो यहां पर जो देयर है, देयर, वो भी एक एडवर्ब है, ठीक, क्योंकि हम यहां वेंट से यानी कि वर्ब से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना, वहां जाना, तो ये भी एक एडवर्ब है। और ये कौन सा एडवर्ब है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखा आपने एक सेंटेंस के अंदर कितने सारे एडवर्ब होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। आगे देखिए, व्हेनेवर ही वॉज फ्राइटेंड, व्हेनेवर मीन्स जब कभी वो डरा हुआ होता था, ठीक, जब कभी वो डरा हुआ होता था तब वो वहां जाता था, ठीक। अब देखिए यहां पर, वह कब कब वहां जाता था, जब जब वह डरा हुआ होता था तब तब वह वहां जाता था। तो ये पूरा एक क्या है, ये पूरा जो है ना वो एक क्लॉज है, क्लॉज, व्हेनेवर ही वॉज फ्राइटेंड। अब आप कहोगे मैम आपने तो फ्रेज बताया था, अब ये क्लॉज कहां से नई बात आ गई। देखो मैं बताऊं आपको, टुवर्ड्स द गार्डन में क्या है, एक प्रेपोजिशन है, एक नाउन है, एक प्रेपोजिशन है, एक नाउन है। तो जब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, ठीक, वर्ब ना हो, मेन वर्ब ना हो, एक सब्जेक्ट ना हो, वर्ब ना हो, तो वो फ्रेज होता है। और अगर वहां पर एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, तो वो क्लॉज होता है। तो व्हेनेवर ही वॉज फ्राइटेंड में क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये क्लॉज है लगभग लगभग दोनों एक ही चीज है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसको मैं फ्रेज बोलूंगी और इसको मैं क्लॉज बोलूंगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ठीक है। बता दे रही हूं आपको, अगर आपको समझ में आ जाए तो कैच कर लेना, नहीं समझ में आ जाए तो छोड़ देना। तो ये कौन सा अब एडवर्ब हुआ कि वह कब कब वहां जाता था, वह तब तब वहां जाता था जब जब वह डरा हुआ होता था। तो ये कौन सा एडवर्ब हुआ, ये हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ओके। चलिए, ही वॉज सो ग्लैड, वह इतना खुश था टू रीच द गार्डन, गार्डन पहुंचकर, वह गार्डन में पहुंचकर, वह बगीचे में पहुंचकर बहुत खुश था। कितना खुश था, बहुत खुश था। तो ये क्या कर रहा है, ग्लैड को भी मॉडिफाई कर रहा है, विशेषण के बारे में भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इतना खुश। तो ग्लैड तो एडजेक्टिव है और सो जो है वो एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है, डिग्री वाला एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल अराउंड हिम, उसने देखे सुंदर सुंदर फूल, उसने सुंदर सुंदर फूल कहाँ देखे, ऑल अराउंड हिम, अपने चारों ओर। अब ये क्या है, अब ये भी एडवर्ब है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा शब्द हैं, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। तो उसने सुंदर सुंदर फूल कहाँ देखे, अपने चारों तरफ देखे। सून, जल्दी ही,
तो कब आप क्वेश्चन करेंगे, कब, जल्दी ही, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहां पर ये सून जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, ही फॉरगॉट, अब यहां सेंटेंस के स्टार्ट में आया है तो एडवर्ब जो है वो पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है, और पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है, पूरे सेंटेंस के बारे में बताता है। जैसे कि ये सून बता रहा है कि जल्द ही फॉरगॉट, वह भूल गया कि ही वॉज फ्राइटेंड, कि वो डरा हुआ था, एंड प्लेड, और वो खेला हैप्पीली इन द गार्डन, गार्डन में वो बहुत खुशी से खेला। कैसे खेला? हैप्पीली खेला, तो हैप्पीली एक एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो आपके लायक जो एडवर्ब आए वो यहाँ कौन कौन से आए? क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर, नेवर नेगेटिव एडवर्ब, सो एडवर्ब ऑफ डिग्री, लाउडली एडवर्ब ऑफ मैनर, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ डिग्री, सून एडवर्ब ऑफ टाइम, और हैप्पीली एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छी थी ना एक्सरसाइज, मुझे तो काफी मजा आया आपको सिखाने में। अब चलते हैं हम सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। आपको इसमें एडवर्ब्स भरने हैं, और ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है कौन से एडवर्ब भरने हैं। यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर भरना है, यहाँ डिग्री है, यहाँ फ्रिक्वेंसी है, यहाँ टाइम है, प्लेस है, फिर टाइम प्लेस एट्सेट्रा। तो देखिए पहला सेंटेंस, द सोल्जर्स फॉट, सैनिक लड़े, इन द बैटल, युद्ध में। अब आप पूछोगे सैनिक युद्ध में कैसे लड़े, मैनर पूछना है ना, तो मैनर से क्या पूछोगे, हाउ, कैसे लड़े, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो युद्ध में कैसे लड़े, बड़ी बहादुरी से लड़े, तो हमने यहां पर लिख दिया ब्रेवली। सोल्जर्स युद्ध में कैसे लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े, तो हमने यहां एडवर्ब भर दिया ब्रेवली। ठीक है, शी इज एन काइंड वुमन, वह दयालु महिला है। अब यहां आपको डिग्री बतानी है, अब आप डिग्री के लिए पूछोगे कितनी दयालु महिला, तो हमने लिखा यहाँ एक्सट्रीमली काइंड वुमेन या वेरी काइंड वुमेन, वेरी नहीं लगा सकते क्योंकि एन लगा हुआ है, तो कोई वॉवल से स्टार्ट होने वाला ही वर्ड लगाना है, तो एक्सट्रीमली लगा दिया, मतलब इसका भी वही होता है कि बहुत ज़्यादा। तो शी इज एन एक्सट्रीमली काइंड वुमन, वो एक बहुत ही दयालु महिला है। मोहन इज रेडी टू हेल्प द नीडी, मोहन नीडी यानी कि जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार है। फ्रिक्वेंसी, कब कब तैयार है, तो हमने लिखा हमेशा तैयार है, तो मोहन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द नीडी। ठीक है, आई वेंट टू अ सर्कस, मैं एक सर्कस गया, विद माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, तो टाइम पूछना है मतलब कब, तो मैं कब सर्कस गया, मैं कल सर्कस गया, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो कल ही लगाना पड़ेगा, तो आई वेंट टू अ सर्कस यस्टरडे विद माई फ्रेंड्स। अच्छी लग रही है एडवर्ब की एक्सरसाइज, काफी अच्छी है। आगे देखिए, माई अंकल इज दीज डेज, मेरे अंकल इन दिनों, प्लेस पूछना है, आप क्या पूछोगे, मेरे अंकल इन दिनों कहाँ हैं, तो आपने लिख दिया माई अंकल इज हियर दीज डेज, मेरे अंकल इन दिनों यहीं हैं, हियर। आई हैव नेवर सीन सच अ फनी मूवी, आई हैव नेवर सीन सच अ फनी मूवी, मैंने कभी इतनी फनी मूवी नहीं देखी है। ठीक, अब आपको इसमें भरना है टाइम, यानी कि आप पूछोगे कब, आई हैव नेवर सीन सच अ फनी मूवी, मैंने कब, ठीक, इतनी फनी मूवी नहीं देखी है, तो हमने यहां पर भर दिया बिफोर। आई हैव नेवर सीन सच अ फनी मूवी बिफोर, मैंने आज के समय से पहले, मैंने आज के समय से पहले इतनी फनी मूवी कभी नहीं देखी है। ठीक, सेवेंथ देखिए, वी ऑल, हम सब, हैड टू स्टैंड, हम सबको खड़ा होना पड़ा, टिल द रेन स्टॉप्ड, जब तक कि बारिश नहीं रुक गई, तो हम सबको प्लेस पूछना है, कहाँ खड़ा रहना पड़ा, देयर, तो हमने भर दिया वी ऑल हैड टू स्टैंड देयर टिल द रेन स्टॉप्ड, जब तक बारिश नहीं बंद हो गई हम सबको वहीं खड़े रहना पड़ा। माई फादर इज फीलिंग रिलैक्स्ड
आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। मेरे पापा आराम महसूस कर रहे हैं दवा लेने के बाद। अब डिग्री लगाना है आपको, तो आप पूछोगे कितना आराम महसूस कर रहे हैं। ठीक, तो हमने लगाया माई फादर इज फीलिंग क्वाइट रिलैक्स्ड। क्वाइट मतलब काफ़ी, काफ़ी आराम। कितना आराम? काफ़ी आराम। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, दवाइयाँ लेने के बाद। ठीक है, तो क्वाइट का मतलब काफ़ी। द टीचर टॉट द लेसन, टीचर ने हमें लेसन पढ़ाया। सो दैट, ताकि स्टूडेंट्स कुड बी थॉरोविड, स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको, उसके साथ थॉरो हो जाए, मतलब उसको समझ जाए। ठीक है, अब आपको फ्रिक्वेंसी लगाना है। तो हमारे टीचर ने लेसन को कितनी बार पढ़ाया, कब कब पढ़ाया? तो हमने यहाँ पर लिख दिया ट्वाइस, कि द टीचर टॉट द लेसन ट्वाइस। टीचर ने लेसन को दो बार पढ़ाया ताकि स्टूडेंट्स को वो अच्छे से समझ में आ जाए। टेंथ देखिए, राधिका स्पोक टू हर फ्रेंड। राधिका अपने मित्र से बोली, एडवर्ब ऑफ मैनर भरना है। कैसे बोली? हमने लिख दिया पोलाइटली बोली, POLITELY। तो राधिका स्पोक पोलाइटली टू हर फ्रेंड, राधिका अपने फ्रेंड से बहुत ही पोलाइटली बोली या उसने बात की। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ए और बी को हमने आज सीखा है। अब वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप इन दोनों एक्सरसाइजेस को अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए और बार बार एडवर्ब को रिवाइज कीजिए। ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज, बी हैप्पी, बाय बाय।